प्रश्न: एक घर में प्रतिदिन 60 वॉट के 4 बल्ब 4 घंटे और 80 वॉट के 2 पंखे 10 घंटे के लिए चलाए जाते हैं, तो इस घर में एक महीने यानी कि 30 दिन के लिए खर्च होने वाली बिजली का मूल्य बताएं। यदि प्रति यूनिट बिजली का मूल्य 2 रुपए है। हल: यहां पर जो विद्युत उपकरण दिया गया है वो है एक बल्ब और दूसरा पंखा। पहले बताया गया है कि 4 बल्ब 4 घंटे प्रतिदिन जलाए जाते हैं और 30 दिन के लिए व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है, जिसके लिए प्रति यूनिट बिजली का मूल्य 2 रुपए दिया है। तो हम जानते हैं कि व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर होता है बराबर सबसे पहले विद्युत उपकरणों की संख्या गुणित विद्युत उपकरण की शक्ति गुणित समय और साथ में दिनों की संख्या पूरे के बटे एक हजार। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि विद्युत उपकरण की संख्या यानी यदि हम बल्ब की बात करें तो कितने बल्ब का प्रयोग हो रहा है? 4 बल्ब। कितने वॉट का बल्ब है? 60 वॉट का। 4 घंटे प्रतिदिन और कितने दिनों के लिए? 30 दिनों के लिए। यानी हम यहां पर व्यय विद्युत ऊर्जा यदि हम बल्ब के लिए निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा? सभी मान हम यहां पर रख देते हैं तो हम कहेंगे कि 4 बल्ब हैं, उनकी शक्ति 60 वॉट 4 घंटे के लिए और 30 दिनों तक बटे 1000। इसे हल कर लें तो हमें मिलेगा, यदि हम 10 के पहाड़े का प्रयोग करें तो यहाँ पर 100 बार 3 10 दिया 30, उसके बाद पुनः 10 के पहाड़े से यदि हल करें तो ये होगा, पुनः यदि हम 10 के पहाड़े का प्रयोग करें तो 10 दहम 100 और ये जाएगा 6 बार में। इसके बाद फिर से हम इसे हल कर सकते हैं 2 के पहाड़े से, तो 2 पंचे 10 और 2 तिया 6। चलिए इसको हल करने पर सरलतम रूप हमें क्या मिलेगा? 4 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 3 पूरे के बटे 5, जो हल करने पर मिलेगा 28.8 किलोवाट घंटा। तो बल्ब के द्वारा जो 30 दिन में विद्युत ऊर्जा जो व्यय हो रही है वो है 28.8 किलोवाट घंटा। चलिए अब हम पंखे के लिए देखेंगे। चलिए आगे हल करते हैं और अब हम ये देखेंगे कि पंखे द्वारा 30 दिनों में कुल विद्युत व्यय जो हो रहा है वो कितना हो रहा है। इसके लिए पुनः सूत्र वही उपयोग करेंगे हम, और सूत्र में मान रखने के लिए हम लिखेंगे व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत उपकरणों की संख्या, यानी कि 2 पंखे हम ले रहे हैं तो 2 गुणित पंखों की शक्ति, वो कितने वॉट के हैं? 80 वॉट के, और समय जो है वो 10 घंटे के लिए और दिन 30 दिन बटे 1000। चलिए इसे भी सरल कर लें तो पुनः हम 10 के पहाड़े से करें तो यहाँ हमें मिलेगा 100 और 10 एकम 10, फिर से 10 के पहाड़े का प्रयोग करें तो ये 10 बार में जाएगा और ये 3 बार में। इसके पश्चात पुनः 10 से पहाड़े से करेंगे तो 10 एकम 10 और ये जाएगा 8 बार में। तो इस प्रकार हमें मिल रहा है 2 गुणित 8 गुणित 3, तो इसे सरल करने पर हमें मिलेगा 8 दूनी 16 तिया 48 किलोवाट घंटा।
तो बल्ब के लिए हमने पहले विद्युत ऊर्जा ज्ञात की जो व्यय हो रही है, और उसके बाद पंखे के लिए, तो कुल व्यय विद्युत ऊर्जा जो होगी वो कितनी हो जाएगी, बराबर हमें मिलेगा 28.8 किलोवाट घंटा हमें मिला था बल्ब से, और 48 मिला है हमें पंखे से, तो ये कुल हो गया 76.8 यूनिट। इसके साथ ही प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रति यूनिट बिजली जो है उसका मूल्य है 2 रुपए, तो 76.8 यूनिट के लिए हमें इसे ज्ञात करना होगा, तो हम लिखेंगे कि प्रति यूनिट बिजली जो है वो, प्रति यूनिट बिजली का मूल्य 2 रुपए, इसलिए 76.8 यूनिट के लिए ये हो जाएगा 2 × 76.8, यानी कि हमें प्राप्त होगा 153.6 रुपए कुल खर्च। इस प्रकार यह प्रश्न हल हुआ। उदाहरण 4।